देखिए, अब तो चुनाव खत्म हो गए, वोट नहीं मांगना है, अब तो विश्लेषण ही करना है जो कुछ हुआ चुनाव प्रचार के दौरान। आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से सफाई देनी पड़ी आकर बीजेपी के नेताओं को, जिस तरह से चिराग पासवान ने लगातार ये संकेत दिए कि वो बीजेपी की बी टीम है और उसको उस तरह से इनकार नहीं किया गया, यहां तक खबरें आई कि उनकी रैलियों में बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं या बीजेपी के समर्थक पहुंच रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ये क्या था और जेडीयू इसे कैसे देखती है? मुझे लगता है दोनों दलों के बीच में कहीं कोई इस सवाल पर असमंजस का भाव नहीं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने चिराग पासवान को एनडीए के बाहर बताया, उन्हें वोट कटवा तक कहा, जिस शब्द का प्रयोग करने से हमारे दल के लोग भी परहेज कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं के शिकार हुए हैं और वो पहली दृष्टि में हीट विकेट खुद आउट हुए हैं। इतनी बात है कि बिहार की राजनीति का जो एक अध्याय हो सकता था चिराग पासवान का, वो समाप्त हो गया और मुकाबला एनडीए और बीजेपी, एनडीए और महागठबंधन के बीच है और ये तय है। इसे भविष्यवाणी आप भी अपने तरीके से कर रही हैं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर जो 35 वर्षों का मेरा अनुभव है, मैं मानता हूं कि आज भी एनडीए को ही बढ़त है और नतीजे आपको इसकी तस्दीक करेंगे। वो देखना होगा, लेकिन हमने एक और बहुत अहम सवाल पूछा लोगों से, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन पहली पसंद है और हर चरण में क्या राय थी लोगों की, बिहार के लोगों की क्या राय थी हर चरण में, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, वो भी आपको बताते हैं। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।